नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में लगभग डेढ़ महीने के बाद कोरोना के केसों में जबरदस्त कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 4414 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। और मन को सबसे सुकून देने वाली खबर, बीते 10-11 दिनों के दौरान प्रदेश में तकरीबन 1.25 लाख मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राजस्थान के सीएम गहलोत ने भी कोरोना को बहरूपिया बताया है। गहलोत ने कहा है कि कोरोना बहरूपिया की तरह है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिसने भी इसके बारे में कहा है वह सही कहा है, हरदम चौकन्ना रहना चाहिए। हम गांव में डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, लॉकडाउन भी बढ़ाया है, अब जनता की सजगता जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी बच्चों तक पहुंच गई है, कई जिलों में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में नौजवानों की मौतें ज्यादा हो रही है, क्योंकि बुजुर्गों को वैक्सीन लग चुकी है, अब तीसरी लहर से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। प्रदेश की अगली बड़ी अपडेट, आज से प्रदेश में नौतप्पे की शुरुआत हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नौतप्पा होता क्या है। हर साल ग्रीष्म ऋतु में नौतप्पे की शुरुआत होती है, इस बार नौतप्पा 25 मई से शुरू होगा और 3 जून तक रहेगा। नौतप्पा 9 दिन का होता है और इसी दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही नौतप्पे की शुरुआत हो जाती है। इस बारे में कहा जाता है कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में 14 दिनों के लिए आता है तो 15 दिनों के पहले 9 दिन सबसे अधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नौतप्पा के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल रोहिणी का निवास तट पर रहेगा, बारिश अच्छी होगी जिससे फसल का उत्पाद भी अच्छा रहेगा। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो 1 जून से सरकार वापस अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेगी, यानी कि 1 जून से लॉकडाउन खुलना शुरू हो सकता है। प्रदेश में सरकार ने 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही 1 जून के बाद से चुनिंदा सेक्टर को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस सप्ताह बहुत से जिले ऐसे हैं जिनके हालात सामान्य होने के आसार हैं। इन जिलों में कई प्रकार की छूट 1 जून से मिल सकती है। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर NSIU ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को सबसे पहले वैक्सीन दिए जाने की बात कही है, साथ ही में कहा है कि यदि वैक्सीन लगना संभव नहीं है तो छात्रों की जान जोखिम में डालकर उनकी परीक्षा आयोजित करने की बजाय उन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यों को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सामुदायिक विकास के कार्यों को भी तुरंत प्रभाव से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्य हेतु जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना करवाने के दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार औजारों के साथ खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री का उपयोग न करने की भी सलाह दी है। आसान भाषा में समझे तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने मनरेगा कार्यों को एक बार फिर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक और बड़ी अपडेट, आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल साल का पहला चंद्र ग्रहण बैसाख पूर्णिमा को पड़ेगा। 26 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण नहीं है बल्कि उपछाया चंद्र ग्रहण मात्र है, जिसके चलते इस ग्रहण का न तो कोई सूतक काल होगा और न ही कोई धार्मिक प्रभाव माना जाएगा। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।